को सुप्रीम कोर्ट को झटका पुणी निराश हेले दिल्ली सरकार सरकार को परामर्श को खारज कले कोर्ट एल्डरमैन निजुक्ति मामलें केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट रु बड़ झटका लगी एमसीटी अर्थात दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो 10 जन एल्डरमैन को मनोनीत करने उपराज्यपाल निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट अनुमति देते सुप्रीम कोर्ट राय में स्पष्ट भाव कहते जे दिल्लीर उपराज्यपाल स्वाधीन भाव एमसीटी रे 10 जन एल्डरमैन को मनोनीत करेंगे एथपाय दिल्ली सरकार मंत्रिमंडल परामर्शर आवश्यकता एल्डरमैन प्रसंगे सुप्रीम कोर्ट आप सरकार को चकित कर उपराज्यपाल दिल्ली महानगर निगम 10 जन एल्डरमैन को मनोनीत करने को संपूर्ण स्वाधीन सुप्रीम कोर्ट कहते जे एमसीडी रे सदस्य मनोनीत करने उपराज्यपाल क्षमता एक वैधानिक क्षमता कार्यनिर्वाही क्षमता नुहे सुप्रीम कोर्ट आहुरी मध्य कहते जे 1993 आईन दिल्ली सरकार परामर्श नक एल्डरमैन नियुक्ति करार अधिकार उपराज्यपाल 1957 दिल्ली नगर निगम अधिनियम अनुसार उपराज्यपाल 25 वर्षर अधिक बयसर 10 जन को निगम नामित करें नगरपालिका प्रशासन विशेष अभिज्ञता रही है एमने मेयर निर्वाचन में अंशग्रहण करें नियम रही किंतु गत नवेम्बर होता नगर निगम निर्वाचन पर घटना को नहीं बद आरंभ हो मनोनीत पार्षदा बा एल्डरमैन मेयर निर्वाचन में भाग नहीं पार नियम ना किंतु गत निर्वाचन में भाग नहीं आप सरकार यह विरोध कर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची शीर्ष अदालत यह रोक लगवा मेयर निर्वाचन होता हेले बीजेपी पक्षर नहीं मामला दायर होता ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।